हेलो, मैं जेबनाज देश की पौधा रोपण और बागवानी की अग्रणी कंपनी संसार ग्रीन की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। हम अपनी कंपनी की तरफ से आपको और आपके परिवार को पौधा रोपण के लिए और उसमें दिलचस्पी जगाने के लिए पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं। आखिर जान है तो जहान है, और बिना पेड़ पौधों की दुनिया संभव कैसे हो सकती है। हमारे दर्शक हमारे लिए खास है, और हमारे दर्शक ने मांग की है कि हम अपराजिता या क्लिटोरिया को बीज से उगाकर दिखाएं। हम वीडियो लेकर हाजिर हैं, और अब आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपराजिता को विष्णुकांता, कोयल, शंख पुष्पम या शंख पुष्पी के नाम से भी जाना जाता है। इनका वैज्ञानिक नाम क्लिटोरिया टेरनाटिया है। ये फूल आमतौर से सफ़ेद, नीले या बैंगनी रंग के होते हैं। दोनों ही रंगों में आपको इकहरे और दोहरे पंखुड़ियों वाले फूल यानी सिंगल लेयर्ड और डबल लेयर्ड फ्लावर आपको मिल जाएंगे। अगर आप अपराजिता के फूल ना तोड़े तो फूल सूख जाने के बाद उनमें मटर की फलियों जैसे फल आते हैं, जो सूख जाने के बाद कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये अपराजिता के बीज है जो फुल्ली मैच्योर है, और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब हम इसमें से कुछ बीज के दाने निकाल लेंगे। आइए अब हम आपको बीज के दाने निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। आप देख सकते हैं, हमने इनके दाने निकाल लिए हैं। अगर हम वैसे भी नहीं निकालते इनके दाने तो वो स्प्लिट होकर गिर जाते और सारे सीड बेकार हो जाते। अब चलिए इन्हें हम लगाना सिखाते हैं। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा प्लांटर, हमने अपना प्लांटर चुन लिया है। अब बारी है आपको भी अपने प्लांटर को चुनने की। हम कुछ दाने ही लगा रहे हैं क्योंकि हमें आपको वीडियो बनाकर दिखाना था, आपने इसकी डिमांड की थी। हमने प्लांटर ले लिया है और इसमें हमने कोकोपिट रखा है क्योंकि कोकोपिट में पानी सूखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बीज लगाना सिखाएंगे आपको। वैसे तो ये जून जुलाई में लगते हैं, क्योंकि आपकी मांग थी इसलिए हम इसे पिक गर्मी में ही लगाना सिखा रहे हैं। तो अब हम इसे इंडोर ही रखेंगे जब तक हमारा पौधा उग ना जाए। हम ये बीज के दाने इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसे हल्के हल्के मिट्टी से दबा देंगे, हमें ज़्यादा गहरा इन्हें नहीं दबाना है। अब बारी है वाटरिंग की। हमने पॉट ले लिया है जो हमारा पॉट वेल ड्रेन्ड है। इसमें से ज़्यादा पानी जब भी हम डालेंगे तो वो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। पानी इसमें हम हल्का डालेंगे, लेकिन सुबह शाम डालेंगे ताकि हमारे बीज अच्छे से उग जाए। 3 हफ्ते हो चुके हैं और हमारे पौधे उग चुके हैं, लेकिन हमने तो 4 बीज लगाए थे बट हमारा पौधा 3 ही उगा है। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम बीज से पौधे उग तो आए। आप चाहें तो पौधे अलग अलग पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैं इनमें से 2 पौधे निकाल लूंगी क्योंकि मुझे इस पॉट में एक ही पौधा ग्रो करना है। बाकी के 2 प्लांट मैं अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर दूंगी। हम हेल्दी प्लांट्स को रखते हैं और वीकर प्लांट को निकाल देते हैं। आइए हम आपको पौधे निकाल कर दिखाते हैं। इसकी रूट्स तो कमाल की ग्रो हुई है। आप देख रहे हैं 1 महीने में मेरी प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो चुकी है। मैंने सपोर्ट के लिए इसमें एक डंडी भी दी है, लेकिन अब ये पॉट इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। अब मुझे इसे बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करना ही होगा। आप देख रहे हैं पौधे में ब्रांचेस नहीं हैं,
तो हम इसके टिप्स को पिंच कर देंगे ताकि हमारे पौधे में ब्रांचेस आए और हमारा पौधा घना हो जाए। मैंने पिंच करके आपको दिखा दिया है। अब बारी है इसे ट्रांसप्लांट करने की। अब हम इसे बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे और उसमें गोबर की खाद डालेंगे ताकि प्लांट में हमारी फ्लावरिंग जल्दी हो। हाँ, पौधे का ध्यान रखिए, अगर आपके पौधे में कीड़े लग जाए तो उसमें आप पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें क्योंकि ये पौधे एडिबल होते हैं, तो पेस्टिसाइड डालने के 3 से 4 दिन के बाद आप पौधे को अच्छे से धो लें ताकि आप इस पौधे का प्रयोग कर सकें। ये बहुत ही अच्छे ब्रेन टॉनिक होते हैं, एक्सेलेंट फूड कलर है, तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें और हमारी बातों को ज़रूर से फॉलो करें। इनकी बॉन्जाई बनाना, फूलों से एक्जॉटिक ब्लू टी और ब्रेन टॉनिक बनाना हम दूसरी वीडियो में सिखाएंगे। आप अपनी एक्साइटमेंट को बनाए रखें और हमसे जुड़े रहें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर फर्ज समझ कर लें। तब तक हम दूसरी वीडियो में आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज़। शब खैर।